अबे ठीक है लंगड़े, ज्यादा समझ में आ रहा है तेरे को? कॉल उठा रहा है सब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज मेरे को डिस्टर्ब उस चीज के लिए मत करो। दोस्तों हाल ही में अदनान बहुत ही बैडली एक्सपोज हो गए हैं, जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बेसिकली आप जानते होंगे कुछ दिनों से मैटर चल रहा है कि अदनान अपनी बहन और घर वालों को मारते वगैरह हैं, जिस चीज की कंप्लेंट उनकी बहन ने पुलिस वगैरह में कराई। तो 2-3 दिन पहले अदनान ने यह कहा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब फेक दिखाया जा रहा है उनके अगेंस्ट। पर हाल ही में अदनान की बहन ने प्रूफ के साथ अदनान का एक वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो कॉल पर बहुत ही गंदा बोल रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अदनान घर वालों से ऐसे बात कर रहे हैं, आप देखिए। ज्यादा समझ में आ रहा है तेरे को? कॉल उठा रहा है सब का, उठा रहा है, मेरा नहीं उठा रहा। मैं जा रहा हूँ अभी, चौकी जा रहा हूँ, मैं केस कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो नीचे कैप्शन में लिखा गया, वार्निंग टू दोस रेस्पॉन्सिबल, माय वाइफ एंड फादर हैव बीन विक्टिम्स ऑफ सेंसलेस वायलेंस बाय अदनान, व्हिच इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, माय वाइफ्स पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड इंफॉर्मेशन आर बीइंग शेयर्ड ऑनलाइन बाय अदनान, यू एंड योर पेड फॉलोवर्स एंड छपरी फैंस। दिस हैरेसमेंट एंड इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी विल नॉट बी टॉलरेटेड। आई डिमांड एन इमीडिएट एंड टू दिस साइबर बुलिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन। मैं एक बार ही आवाज उठाऊंगा, कंसीडर दिस माय फाइनल वार्निंग। इफ दिस कंटिन्यूज आई विल एक्सपोज द truth about you and your malicious actions. The truth will come out and justice will serve. सच्चाई ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगी। Stop sharing personal content and leaving my family alone. साथ ही कमेंट में लोग भी एक है, बहुत बड़ा वाला कुत्ता है ये, अपने बाप का नहीं हुआ तो किसका होगा यार। एक और ने लिखा, who is handicapped? तो रिप्लाई में आया, हिजाबी ड्रामे का गॉडफादर। एक और यूजर ने लिखा, नाम खराब कर रही मजहब का, घर का मसला घर में सुधार। दोस्तों आपको इस चीज पे क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सम्राट भाई भी इस चीज को लेकर अदनान को कहे, कैसा आदमी है यार ये अदनान, लिटरली घिन आ गई। इसका नाम लेने में भी अपनी बहन की और उसके खानदान वालों को मार रहा है, रिलीजन ऑफ पीस। साथ ही सम्राट भाई फोटो शेयर किए जिसमें लिखा था, इसका बदला और इंसाफ मैं जरूर लूंगी, हर पॉसिबल कोशिश करूंगी उसे क्रिमिनल अदनान को जेल भिजवाने के लिए, मार्क माय वर्ड्स इफ्फत। और हाँ, इसके साथ ही अदनान की बहन को अदनान के फैंस की ओर से काफी हेट देखने को मिल रहा है, तो इस चीज से वो परेशान हो गई है, तो वो इन सब पर लीगल एक्शन लेगी। जहाँ इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर लिखे, सोच समझ के कमेंट करना, ये फैन पेज तो गयो। इन ए वर्ल्ड वेयर इंडस्ट्री ट्राइज टू प्रिवेल, आई स्टैंड टॉल एज ए वॉरियर रेडी to fight for what is right. With every challenge I face, I am fueled by the passion for justice and the belief that every voice deserves to be heard. I will not back down. I will rise up, united with others who shared this mission. Together we will create a force that cannot be ignored. Justice is not just a dream. It's a fight I am committed to every single day. I am warrior and I am not rest until justice is served. Thanks to everyone supporting and haters too. And to next update mein Rajat Dalal Instagram story पर कहे कि इंस्टाग्राम पर उनका कोई भी जानकार नहीं है, मतलब कि जैसे हैक वगैरह हो जाता है तो उनसे बहुत लोग ही शेयर कर रहे हैं कि हमारा भी सही करवा दो, तो चीज को लेकर वो ये कहे इंस्टाग्राम स्टोरी पर, आप देखिए। मैसेजेस मेरे नंबर पे आ रहे हैं, चेतन भाई को भी बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि उनका उनके साथ वालों को इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ गया है। भाई मेरा कोई इंस्टाग्राम में लिंक नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज मेरे को डिस्टर्ब उस चीज के लिए मत करो। बहुत टाइम से कंटिन्यूसली ये चीजें हो रही हैं। मैंने उन दो बंदों का नाम डाल दिया था जिन्होंने रिवाइव कराया था, और साथ में एक टीम कॉन के 2-3 लोग थे जिन्होंने इसमें हेल्प करी थी। मेरा इंस्टाग्राम में लेना देना नहीं है, तो अपने आसपास के किसी प्लगर को, किसी मेटा वाले बंदे को कंसल्ट करो प्लीज। एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है इस चीज के लिए। मेरे नेक्स्ट अपडेट में वीडियो से वन राइटर ने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली जिसमें वो ऑडी लेने को कह रहे हैं, आप देखिए। सुनो पापा, एक ऑडी दिला दो प्लीज, ये वाली ऑडी चाहिए पापा, लेकिन ये जो आगे चल रही है ना, ये वाली ऑडी। क्या चाहिए ऑडी? वो जो अभी गई ना, वैसे तो मैं 6 दिला दूंगा। बोल कब चाहिए? कल। कल चाहिए पापा। उस पे ऑडी है लिखा हुआ? हां पापा, ऑडी के लोगो। अच्छा, वो रियल की ऑडी है या फेक है? ऑडी ऑडी है पापा। सच में? हां। तो ऐसे ही चल रही है। उड्डी है पापा, उड्डी है एक्चुअली। उड्डी पानी भाई, मुझे कुछ नहीं पता, पर हो जाएगी कल सुबह तक। एंड द नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं पूरव झा की। तो पूरव झा फनीस्ट वीडियो क्रिएटर हैं, पर कुछ दिनों से इनकी वीडियो टाइम पर नहीं आ रही है। तो अब जो पूरव झा की वीडियो आने वाली है उसमें स्क्रिप्ट करी 45 डेज लगी पूरी करने में, तो कुछ बहुत ही यूनिक वीडियो आएगा, आप देखिए इंस्टाग्राम पर वो क्या कहे। हाँ जी डार्लिंग्स, काफी लोग मेरे से कह रहे हैं कि भाई यूट्यूब वीडियो स्लो क्यों हो गई, आप हर महीने डालते थे अभी क्यों नहीं डाल रहे हो। तो गाइज यूट्यूब वीडियो आ रही है, समझ लो इस बार मेरे चैनल की ये सबसे बड़ी वीडियो है। 45 डेज हमें स्क्रिप्ट लिखने में लगा है, मतलब 45 डेज, समझ रहे हो ना, मतलब हम और बाकी स्क्रिप्ट 10 से 12 दिन में लिख देते हैं, बट 45 डेज लगा है स्क्रिप्ट लिखने में। एंड कुछ नेक्स्ट लेवल शिट है, स्पूफ वीडियो नहीं है, स्केच है प्रॉपर। आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई कुछ बना, कुछ अलग से बना, तो गाइज अलग से आ रहा है, बस अपना प्यार बनाए रखना। मैं सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा, आप लोगों को पुच्ची देने वाला हूं मैं सबको इस वीडियो के थ्रू, सही बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, बस
प्यार बनाए रखो। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बिग बॉस एक ट्वीट कर ये है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गुरुचरण सिंह नोन एज सोडी टू पार्टिसिपेट इन बिग बॉस 18। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।